मोमोज चटनी के लिए हमें चाहिए लाल सूखी मिर्च और ये है कुछ टमाटर। और यहाँ मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब उसके अंदर मैं खौलते हुए पानी में आपको टमाटर डाल देना है, लाल खड़ी मिर्च आपको डाल देनी है। मोमो चटनी थोड़ी सी स्पाइसी होती है तो उस अकॉर्डिंग आप मिर्च लीजिएगा। उसके साथ में मैं यहाँ डाल रही हूँ कुछ लहसुन और फिर 1 इंच अदरक। अब मैं इसे अच्छे से खौलने दूंगी, उबलने दूंगी। और यहाँ देखिए ये पूरी तरह से उबल गया है और ये जो स्किन है टमाटर की वो भी फटनी शुरू हो गई है। अब हम इसे निकाल देंगे। ठंडा करके मैंने इसकी जितनी भी स्किन थी वो पील कर दी है और अब मैं इसे मिक्सी में चटनी जार में डाल के पीस लूँगी। इसमें थोड़ा सा आप सॉल्ट डाल दीजिए अपने टेस्ट अकॉर्डिंग और अब इसे पीस लीजिए। ये देखिए हमारी मोमो चटनी रेडी है।